लखीमपुर खीरी में चल रहा किसानों का प्रदर्शन, मंच से राकेश टिकैत ने दी चेतावनी, अपना दिमाग ठीक कर ले प्रशासन के लोग। लखीमपुर खीरी जिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और तिकुनिया हिंसाकांड में जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 31 संगठनों के साथ शहर के राजापुर मंडी में 76 घंटे के लिए जाने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निर्धारित तय कार्यक्रम के अनुसार बुधवार की देर रात मंडी परिसर पहुंचे, जहां मौजूद किसानों ने राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया। उधर किसान नेता राकेश टिकैत के पहुंचने की खबर मिलते ही मौके पर जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने राकेश टिकैत से बातचीत कर धरना प्रदर्शन न करने की बात कही। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने उनकी किसी भी बात का समर्थन नहीं किया, जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि धरना प्रदर्शन का उनका मकसद ये है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी को मंत्री पद से बर्खास्त कर उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वह धारा 120 बी के मुजरिम है। इसके अलावा उनकी मांग है कि जो निर्दोष किसान जेल में बंद हैं उनको रिहा कर दिया जाए। इसके अलावा गन्ने के भुगतान, बिजली व्यवस्था, एसएसपी को लेकर व अन्य कई समस्याओं को लेकर उनकी मांग होगी। हो रहा है, क्या मांगे हैं आपकी और कितने लोग आ रहे हैं? देखो, हमारी लखीमपुर में आए तो मांग हमारी ये है कि अजय टैनी मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी हो, वो बर्खास्त हो। 120 बी का मुलजिम है, तो कोई भी मुलजिम देश का गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता, उसको पुलिस अरेस्ट करे। दूसरा है यहाँ के गन्ने का भुगतान का मामला है, उसका समाधान हो। बिजली का बड़ा मामला है पूरे उत्तर प्रदेश का। एमएसपी गारंटी कानून देश का सवाल है, ये बहुत से सवाल है। बिजली अमेंडमेंट बिल है, दूध की पॉलिसी है, फसलों के दाम का सवाल है, सारी समस्या ही समस्या है किसान की। यहाँ जो आए, सबसे बड़ी मांग आपकी अजय मिश्रा ट्रेनी है, जो हमारे लोग जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई। वो कोर्ट में जाएंगे, हम वकील से बात करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है। इस आंदोलन में कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं? आज एक आंदोलन तो चलते रहे, जो अपने घर पे भी रहेंगे वो भी आंदोलन से जुड़ गए। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो क्या आप धरने को बढ़ा सकते हैं? नहीं, 75 घंटे का, सिर्फ 75 घंटे। दिमाग अपने ठीक करके, बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे जाने, यहाँ का प्रशासन अपने दिमाग ठीक करके ये काम कर ले, यहाँ शौचालय और पानी की व्यवस्था करवा दे, और नहीं तो जिला मुख्यालय वहां पे भी है, जितने दिन यहाँ पे धरना चलेगा जिला मुख्यालय वहां के भी बंद रहेंगे सब जगह के। यहाँ एलआईयू के लोग, अधिकारी कोई हो तो एक बार यहाँ पे मंच पर आ जाए। 75 घंटे यहाँ पर हमको रहना है, अगर नहीं सुविधा दोगे तो सुविधा हम लेना जानते हैं कि सुविधा कैसे ली जाती है। अपना दिमाग ठीक कर ले प्रशासन और यहाँ की सरकारें, मतलब उनके कहने से आप काम करोगे कि उनको पानी नहीं देना, वहां पे कोई सुविधा नहीं देनी। एक घंटे का समय है, नहीं तो एक घंटे बाद में जिला मुख्यालय पे जो लोग यहां नहीं आ रहे वे जिला मुख्यालय पे जाएंगे और 3 दिन तक वहीं रहेंगे वे सब लोग। यहाँ का जो एलआईयू के लोग हैं वे आकर एक बार जवाब दे दे हमको, प्रशासन क्या चाहता है, पानी हम लेना जानते हैं, कैसे पानी मिलता है। धन्यवाद जी। लखीमपुर खीरी से खास रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।